दोस्तों, जो ये 100 वाट के बल्ब होते हैं ये कैसे काम करते हैं, इनके पीछे के साइंस को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, बल्ब के डायग्राम को बना लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए डायग्राम बल्ब का बन चुका है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। दोस्तों बल्ब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, बल्ब कितना टेम्परेचर तक सह सकता है, बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, और बल्ब जलने के बाद ब्लास्ट हो जाना चाहिए तो ब्लास्ट क्यों नहीं होता, बल्ब का जो टंगस्टन होता है उसका लेंथ बढ़ाने से बल्ब की रोशनी कैसे बढ़ती है, लेंथ को घटाने से कम करने से रोशनी कैसे कम हो जाती है। तो फिर चलिए समझते हैं। दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है बल्ब का डायग्राम, इसमें ये होल्डर हो गया, इसके दो पिन होते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को देते हैं, और दोस्तों जो बल्ब का ये फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। दोस्तों जो ये टंगस्टन धातु होता है जिससे फिलामेंट बना होता है बल्ब का, इसका जो प्रतिरोध होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस टंगस्टन में इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है और साथ ही साथ इस टंगस्टन में हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट को झेलने की बहुत शक्ति होती है। दोस्तों जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है इसका जो टंगस्टन होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी सह सकता है, झेल सकता है। 3700 डिग्री टेम्परेचर को यह झेल सकता है। दोस्तों इस बल्ब के अंदर भरा रहता है एक गैस, उस गैस का नाम ऑर्गन है और नाइट्रोजन भी भरा रहता है। दोस्तों किसी बल्ब में निर्वात करके छोड़ दिया जाता है, इसको वैक्यूम करके छोड़ दिया जाता है। किसी किसी बल्ब में ये जो एक कांच के एक प्लेट लगाया जाता है इसको वैक्यूम करके इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अगर ये जो साइड से कांच होता है ट्रांसपेरेंट बल्ब के अंदर, अगर इसको हटा दिया जाए उसके बाद से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई को देंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा? जी दोस्तों ये बल्ब जलेगा कुछ देर के लिए, उसके बाद से ये जो फिलामेंट है वो मेल्ट कर जाएगा, इसलिए इसको कांच से कवर कर दिया जाता है। और इसके अंदर आर्गन जो गैस होता है वो 85% आर्गन गैस 85% और साथ में 15% नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ पे फेज सप्लाई दे रहे हैं तो ये फिलामेंट को आग लग जाना चाहिए, इसमें मेल्ट कर जाना चाहिए। तो ये मेल्ट क्यों नहीं करता, ये ब्लास्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो हमारा बल्ब होता है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, या तो इसमें वैक्यूम होता है या फिर आपका ऑर्गन 85% और नाइट्रोजन गैस 15% इसमें भर दिया जाता है। और दोस्तों आपको ये पता तो है ही कहीं भी फायर होने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है। दोस्तों फायर होने के लिए तीन चीज़ों का होना जरूरी है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये फिलामेंट है, ये जो टंगस्टन का बना हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, तो जब हम सप्लाई को देते हैं तो जो करंट अपनी धारा को पूरा करता है तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो हीट उत्पन्न होता है। ये जो टंगस्टन है ये एक पदार्थ है, ये एक फ्यूल है। अब इसके अंदर से जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण गर्म होता है, तो इसके अंदर हीट भी हो गया, फ्यूल हीट, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसके वजह से ये फायर नहीं हो पाता, ब्लास्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि फायर होने के लिए ये तीनों ज़रूरी है, किसी एक भी नहीं रहेगा, अगर इसमें से कोई एक नहीं रह रहा है तो फायर नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसमें वैक्यूम कर देते हैं या फिर आर्गन और नाइट्रोजन गैस को इसमें डाल देते हैं। दोस्तों इस टंगस्टन के अंदर बहुत सारा रेसिस्टेंस है, और जो बल्ब का लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा लाइट आपका बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कम होगा और लाइट कम होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टंगस्टन है इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसका जो लंबाई है इसको हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता उतना ज़्यादा लाइट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये को टंगस्टन दिख रहा है ये पूरा रिंग रिंग किया हुआ है, अंदर का जो टंगस्टन है इसका तो लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसको हम अगर लंबा कर देंगे तो बल्ब का साइज़ तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको रिंग रिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बहुत लंबा टंगस्टन है वो बहुत छोटा सीमित हो जाता है, और लेंथ भी बढ़ जाता है और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा लाइटिंग आती है। दोस्तों अगर इस बल्ब से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक।